ओम शांति। सबसे पहले तो आप सबको मैं बताने वाली हूँ कि आप लोग मुझे देखकर आज जो मुझे देख रहे हो, अगर मैं अभी आपको मेरी स्टोरी सुनाऊँगी तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। करीब 11 साल पहले ब्रह्म कुमारी के राजयोग मेडिटेशन का मैंने कोर्स किया, 7 डेज का। जब मैं यहाँ आ रही थी, उसके पहले मैं हर वीकेंड डिस्को जाया करती थी। कभी घर से मेकअप के बिना मैं बाहर नहीं निकलती थी, कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी, कभी भी मैचिंग्स के बिना मैं बाहर नहीं निकली। नेल पॉलिश भी यहाँ तक मैचिंग, अगर तीन क्लोथ कपड़े में 3 कलर है तो मेरे नेल पॉलिश में भी 3 कलर होनी चाहिए, मेरी बैग मैचिंग, चप्पल मैचिंग। तो जब भी मैंने 7 दिन का कोर्स किया तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर योगा सिखाएंगे, तो मेरा एक ये लक्ष्य था कि मेरे को योगा सीखना है। तो ये राजयोगा करके मैं पढ़ के कोर्स करने गई। तो कोर्स में पहले दिन का जो लेसन हुआ, दूसरे दिन लेसन हुआ, लेकिन मैं वो भाई जो सिखा रहे थे उनको पूछ रही थी कि आप योगा कभी कराओगे, तो उन्होंने बोला बहन जी 2-3 दिन में कराएंगे। तो तीसरे दिन मुझे ये कोर्स में बड़ी दिलचस्पी लगी कि जिसमें हमें अपने खुद के जन्म की कहानी बताई गई, भारत की कहानी बताई गई, देवी देवताओं की भूमि के बारे में बताया गया, तो वो लॉजिकल जो आंसर मिला तभी ऐसे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ बात है। लेकिन फिर भी ऐसा मेरे मन में कभी नहीं था कि मैं ये कंटिन्यू करूँगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना, कोई जादूगर जादू की नगरी से आता है और आपको ऐसे आप पे जादू चला जाता है, एक ऐसे बॉटल में बंद कर लेता है और उसका बूझ फिर कभी भी खुलता नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद में जो 2 महीने के अंदर मेरे अंदर जो चेंजेस आए, कि मेरा एक सेल्फ रियलाइजेशन बेसिकली हुई कि जो लाइफ हम जी रहे थे वो आर्टिफिशियल थी। मेकअप करके हम है ना अपने आप को सुंदर बना रहे थे, लेकिन यहाँ की सुंदरता कभी नहीं थी, यहाँ की सुंदरता नहीं थी। जो यहाँ आकर हमने मेकअप छोड़ दिया, लेकिन हमने दिव्य गुणों की धारणा की, जिससे हमारे संस्कार में मिठास आई, हमारी वाणी में मिठास आई, हमारे कर्म में मिठास आई। और जैसे कहा जाता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और वो धर्म में जब भी देवी देवताएं डिवाइन थे, पवित्र थे, तो वो क्यों थे? क्योंकि उनके अंदर वो पवित्रता के संस्कार थे। तो धीरे धीरे इस पथ पर हम चल पड़े। आज 11 साल हो गया, और इस 11 साल में आप सोचोगे कि आपने प्राप्त क्या किया, बट इतनी सारी प्राप्ति है कि अगर मैं आपको बताने जाऊं तो मुझे लग रहा है कि एक पूरा दायका चाहिए मुझे, 10 है ना, एक युग भी निकल जाए। तो मेन इसमें प्राप्ति मुझे ये हुई कि जो शांति की अनुभूति, जो जब भी मैं लौकिक में काम भी करती हूँ, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट अकाउंट्स का, तो अकाउंट्स तो आजकल बहुत जिम्मेवारी वाला काम है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो काम मैं कर रही हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही सोचती हूँ कि मैं शिव बाबा को बोलती हूँ कि भाई तू ही मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मैं क्यों काम करूँ ना, तू ही काम कर। सो दिस इज़ हाउ मेरा अभी एक ऐसा बॉन्डिंग हो गया है शिव बाबा के साथ में कि मेरे कोई भी काम है वो वही करता है। यहाँ तक कि मेरे को छुट्टी भी चाहिए तो मैं उनको ही बोलती हूँ कि बॉस से जाके छुट्टी ले लेना। तो एक जैसे कहते हैं ना कि भगवान के साथ ऐसा एक हमें रिश्ता बनाना चाहिए कि जिससे भगवान की समीपता का तो अनुभव हो, लेकिन भगवान के जो पावर्स है, भगवान की शक्तियाँ है, भगवान के जो गुण है, वो हमारे अंदर समाया जाए। और तभी ही कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, और वही मिलन एक संगम बनता है। तो आज मुझे बहुत ही खुशी है कि आप सबके साथ में ये बातें मैं शेयर कर रही हूँ। और इसी आध्यात्मिकता की स्टडीज से मेरे अंदर बहुत सारी और विशेषताएं थी जो मुझे पता नहीं थी, वो धीरे धीरे बाहर आने लगी। मैंने ड्रामास में काम किया, स्किट लिखती हूँ मैं, कविताएं लिखती हूँ, शायरी बनाती हूँ, फिल्मी गीत से बाबा के गाने बनाती हूँ, और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मेरी एक इंग्लिश बुक पब्लिश हुई जिसका नाम है शिवरेज द लाइट ऑफ डिविनिटी विद इन। और वो मैंने बुक
3 हफ्ते में तैयार की, एक डेडलाइन ली थी कि मेरी बर्थडे के दिन मुझे रिलीज़ करना है। और ये जानकर भी आपको ये होगा कि मैं खुद ही एक वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने जो बुक बनाई है वो बुक के चर्चे बहुत हुए और बहुत अच्छे मेरे को रिव्यूज़ आए, क्योंकि वो बुक मैंने नहीं लिखी, शिव बाबा की प्रेरणा से वो बुक लिखी गई। और ये बुक किसी को पसंद आई तो उन्होंने कहा कि आप हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ये बुक दीजिए, तो हम उसका ही हिंदी ट्रांसलेशन हमने किया। और मेरी वो बुक शिव किरण अंतर्मन का प्रकाश, वो बुक 22 फरवरी 2022 में लॉन्च हुई। एक ही दिन में 57 बुक्स वर्चुअली लॉन्च हुई, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और मुझे इंडिया और एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट भी मिला। और साथ साथ 8 मार्च को मुझे स्पिरिचुअल राइटर का एक अवार्ड मिला। और एक मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी कि अपनी पसंद से मैं जीना चाहती हूँ, वो भी अहमदाबाद में सिनेप्लेक्स में रिलीज़ हुई। अभी आप मुझे बताइए कि ये क्या कोई मनुष्य का काम है, इतनी सारी एक्टिविटी एक साथ करना मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई मनुष्य कर सकता है। मेरे पीछे शिव बाबा की शक्ति, शिव बाबा का पावर, शिव बाबा का आशीर्वाद और ईश्वरीय परिवार की शुभकामनाएं दौड़ रही है, चल रही है। और इसीलिए मैं आप सबको भी कहती हूँ कि अगर आपने भगवान को दोस्त बना लिया तो आपको ये दुनिया में ऊपर जाने से स्टेटस, मतलब जो आप चाहते हो वो पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। तो देर किस बात की, आइए मेरे साथ चलिए और आप भी अपने जीवन को बदल लीजिए। ओम शांति।